हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का मैथ्स, और जैसा कि आप जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं टॉपिक वाइज। यहाँ पर हमने पहला चैप्टर जो आपका है रिलेशन एंड फंक्शन, इस पर बेस्ड जितने भी आपके कॉन्सेप्ट थे और जितने भी क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर में, जिस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं वो हमने सॉल्व किए। और यहाँ पे दूसरा हमने यहाँ पे जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया है। और प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ आपको रेंज और डोमेन, को डोमेन आपको बताए थे, जहाँ पे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज और आपको डोमेन और रेंज आपको बताई थी। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पर मैंने आपको तीन प्रॉपर्टी बताई थी कि इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। और क्या प्रॉपर्टी है? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। यहाँ पर एक्स की जो रेंज है वो क्या होगी, एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन और वन के बीच में, या यहाँ पे माइनस वन और वन भी इंक्लूड है क्योंकि यहाँ पे ये आपका क्लोज इंटरवल है। ठीक है, इसके बाद टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। और डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमने आपको क्वेश्चन भी दिखाया था, इस जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी पर बेस आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, सेक इनवर्स एक्स, और ये प्रूफ करने को भी आपको आते हैं। ठीक है, तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो तीन प्रॉपर्टीज हैं और इन तीन प्रॉपर्टीज पर हमने क्वेश्चन पढ़े थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि यदि आपके पास x belongs to minus one से और one के बीच में including minus one and one, तो sin inverse x plus cos inverse x का मान बताना है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी अभी अभी हमने पढ़ी है, सीधे डायरेक्ट आंसर्स, डायरेक्ट ये जो है फॉर्मूला बेस आपका क्वेश्चन है, तो इसको आप देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद 2015 में एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया है। ठीक है, हमें इसका मान बताना है, किसका, इसको देखिए बाद में करेंगे हम। ठीक है, इसको प्रूफ करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें यहाँ पे कॉस इनवर्स वन बाई टू, क्वेश्चन क्या दे रखा है, कॉस इनवर्स वन बाई रूट टू का मान हमें यहाँ पे बताना। ठीक है, का मुख्य मान बताना। ठीक है, पेपर में भी हमने ये सॉल्व किया था और 2023 में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, हमने जो आपका पेपर सॉल्व कराया था वहां पर भी ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे आप, इस तरह से किया जाता है। देखिए इसको सॉल्व करने के आपके दो मेथड है। ठीक है, एक तो आप इसको थीटा पुट कर सकते हैं या एक्स पुट कर सकते हैं, कुछ भी आप इसको पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, लेट कॉस इनवर्स वन अपॉन रूट टू इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, यहां से अगर आप क्या करें, वन बाई रूट टू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉस आपका इनवर्स इधर आ जाएगा, तो ये कॉस आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा में हमें पता है वन बाई टू किसका मान आता है, कॉस थीटा में वन बाई टू मान किसका आता है, पाई बाई फोर का। यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, cos पाई बाई फोर इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, यहां से cos आप काट लेंगे और थीटा इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई फोर। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन आपका यहाँ पे। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट क्या कर लेंगे, कॉस इनवर्स और कॉस पाई बाई फोर। ठीक है, अब कई बार बच्चे क्या कर देते हैं, कॉस इनवर्स से कॉस को काट देते हैं, ये रॉन्ग मेथड है। देखिए हमने आपको कॉस की रेंज बताई थी, इसकी रेंज क्या होती है, ये होती है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था इसका फॉर्मूला, ये है आपकी रेंज, कॉस की रेंज क्या है, कॉस इनवर्स के जीरो से लेके पाई बाई पाई तक। ठीक है, जीरो से लेके ये पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू आपके साइन की है, जीरो से लेके पाई, यानी कि वाई कहाँ पे बिलोंग करना चाहिए आपका, आपका जीरो और पाई के बीच में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो पाई बाई फोर इसके बीच में बिलोंग करेगा, यानी कि यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं कि जो कॉस, तो इससे ये क्या आ जाएगा, ये आपका थीटा कितना आ जाएगा, पाई बाई फोर। ठीक है, तो ये डायरेक्ट इसका पाई बाई फोर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 में ये क्वेश्चन आपका आया है, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है कि यदि आपका x बिलोंग टू r, x r को बिलोंग करता है, किसी रियल नंबर को बिलोंग करता है, तो आपको tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का मान बताना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अभी अभी आपने बताया था कि जब x किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर को, और tan इनवर्स x प्लस में cot इनवर्स x इज इक्वल टू कितना हो जाता है, इसका मान आ जाता है आपका पाई बाई टू, ठीक है। और जब ये क्वेश्चन आपका एक नंबर में आएगा तो आप डायरेक्ट आंसर लिख लेंगे इसका, और अगर दो नंबर में आता है तो फिर आप इसको प्रूफ करके करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको कॉपी कर ले, कॉसेक से पहले करेंगे हम, एक क्वेश्चन है इसका, चलिए ये क्वेश्चन आपका 2015 में आया है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इसको हमें इसका मान लिखना है, ठीक है, और इसका मान भी आप जानते हैं क्या होता है, cos इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए आप क्या लिखेंगे, लेट x इज इक्वल टू, लेट x इज इक्वल टू, आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, cos इनवर्स x को आप थीटा पुट कर लीजिए, या तो, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, cos इनवर्स है, या cosec इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, या फिर यहां से आप क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू cosec थीटा, ठीक है। तो आप cosec थीटा लिख सकते, ठीक है, cosec थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, sec पाई बाय टू माइनस थीटा, इसको आप लिख सकते हैं sec, ये आपने 11 पे पढ़ा होगा, पाई बाय टू माइनस थीटा, ठीक है। तो यहां हमने क्या कहा, x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, sec, ओके, और यहां से देखिए, यानी यहां पर आप क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू sec पाई बाय टू माइनस में थीटा आपके पास आ गया है, ठीक है। sec इनवर्स x आप लिख लेंगे यहां से, sec इनवर्स x से ही हमें, sec इनवर्स x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, पाई बाय टू माइनस थीटा, ठीक है, आई बात समझ में, पाई बाय टू माइनस, अब यहां से आप मान रख लेंगे किन किन का, एक तो कोसेक इनवर्स, ठीक है। अब देखिए थीटा को हमने यहाँ पर क्या पुट कर लिया है, कोसेक इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे आप मान रख लीजिए सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू माइनस में, यहां पर आप थीटा की जगह पर क्या पुट करेंगे, कोसेक इनवर्स, cosec inverse x, ठीक है। ये आपका यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा, sec inverse x प्लस में आ जाएगा, ये भी प्लस में, cosec inverse x इज इक्वल टू कितना आ गया है, पाई बाई टू, ठीक है। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी आप इसको रन कर सकते हैं, और प्रूफ करने को भी ये आपके आते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, sec इनवर्स लिखें, या फिर इसको आगे भी कर सकते हैं आप, दोनों का साइन पॉजिटिव है, तो cosec इनवर्स x प्लस में sec इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय टू, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया है, इसका मान कितना आता है, पाई बाय टू। तो दो नंबर में जब आपका क्वेश्चन इसको प्रूफ करने को आपको दिया जाए, इसको प्रूफ करना है, तो तब आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको कीजिए। और इसके बाद हम नेक्स्ट जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू भी कितना होता है, ठीक है। तो ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, और यहाँ पे हमने प्रूफ भी इस प्रॉपर्टी को कर दिया है, ठीक है। इसी की दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास क्या थी, दूसरी प्रॉपर्टी थी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, तो आपको ये बताना है वाई आपका कहाँ बिलोंग करेगा, वाई कहाँ से आपका है, ठीक है। तो हमने इसकी रेंज पढ़ी थी, किसकी, साइन इनवर्स x की हमने रेंज पढ़ी थी, और साइन इनवर्स x की रेंज क्या होती है, माइनस पाई बाय टू से लेके कहां पे, पाई बाय टू के बीच में, ठीक है, इसकी, इस साइन इनवर्स x की, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स x का क्या है, इसका मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू,
या फिर इसको आप परास कह सकते हैं इसका, ठीक है। का जो मुख्य मान है या फिर परास, ठीक है, ये बिलोंग करता है कहां पे, -π/2 से और π/2 के बीच, ठीक है, -π/2 से π/2 के बीच, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं कि जो साइन इनवर्स एक्स है, इसमें आप क्या लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स आपका कहाँ पे आएगा, π/2 से, क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स और लेस देन और इक्वल टू π/2, ठीक है। तो इस तरह का साइन तो हमें ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये 0 से लेके π तक है और ये 0 से लेके π है। यहाँ पर आपका क्या है, -π/2 से लेके और π/2 है, ठीक है। तो यहाँ पे y का मान क्या होगा, साइन x जो है, y का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा, y का मान आपका आ जाएगा ये वाला ऑप्शन नंबर, ठीक है, क्योंकि यहाँ आप x को क्या कहेंगे, x आपका कहाँ होना चाहिए, x यहाँ पर क्या है, जब आप इसको y के इक्वल करेंगे, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो मुख्य मान है, इसका मान क्या आ जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पे आ जाएगा, -π/2 से लेके ग्रेटर देन और इक्वल टू y इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू π/2। तो इसका जो ऑप्शन नंबर फोर है, ये यहाँ पर इसकी रेंज पर और इसके मुख्य मान पर जो आपको फॉर्मूला लिखाए थे प्रीवियस लेक्चर में, उस पर बेस डायरेक्ट आपके क्वेश्चन 2022 में, ये आपका उत्तराखंड बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में आपका ये क्वेश्चन आया, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यदि x इज ग्रेटर देन 0 तो आपको क्या निकालना है, टेन इनवर्स 1/x का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कीजिए, टेन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू थीटा, ठीक है, और यहां से अगर हम टेन थीटा की बात करें तो ये आ जाएगा 1/x, ठीक है, टेन थीटा आपका क्या आ जाएगा, 1/x, और हम जानते हैं 1/cot थीटा आपका क्या आ जाता है, तो देखिए इसको रिवर्स जब आप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, cot थीटा इज इक्वल टू x, ठीक है। यहाँ पे हमें निकालना क्या है, हमें इसका इनवर्स निकालना है, तो यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो कॉट इनवर्स एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर टू यहाँ पे आपका इसका आंसर, इसको भी आप कॉपी करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए यहाँ पे हमने एक जो प्रॉपर्टी थी उसको प्रूफ किया, और उस प्रॉपर्टी में हमने क्या किया था, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस में सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स 2/√3 का हमें मुख्य मान निकालना है। तो देखिए जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था, यहाँ पर भी आप क्या कर लें, इसको थीटा मान लें या फिर आप इसको कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ से हम मान लेंगे कि y इज इक्वल टू आपके पास, अगर हम यहाँ कहेंगे सेक इनवर्स 2/√3, ठीक है, इसको आप सेक इनवर्स को इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा सेक वाई इज इक्वल टू 2/√3, ठीक है, या फिर यहाँ पर भी आप डायरेक्ट मान रख सकते हैं, ठीक है, सेक इनवर्स, तो देखिए सेक में आपका 2/√3 का मान कहाँ पे आता है, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा है, तो π/6 का मान क्या होता है, सेक π/6 का मान होता है 2/√3, तो यहां से हम क्या लिख लेंगे, sec y इज इक्वल टू sec π/6, तो sec से आपका ये कट जाएगा, तो y आपके पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ पे आपको दे रखा है कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू थीटा, हमें 10 थीटा का मान निकालना है, ठीक है, हमें निकालना है 10 थीटा का मान, ठीक है। तो इसका मान कैसे निकलेगा, देखिए कॉस को आप सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1/sec इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, और sec थीटा को आप 10 थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बेसिकली क्या दे रखा है, कॉस इनवर्स 4/5, ठीक है। तो इसको आप क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स, या फिर डायरेक्ट यहाँ पर इसको थीटा के इक्वल करें कि थीटा इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स 4/5, ठीक है। यहां से आप क्या लिख लेंगे कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5, ठीक है। हमें पता है 1/sec थीटा आपका कितना होता है, कॉस थीटा, ठीक है। तो जब आप इसको sec थीटा के फॉर्म में लाएंगे, sec थीटा इज इक्वल टू, तो इसको आप रिवर्स कर लेंगे 5/4, ठीक है। अब हमें किसका मान निकालना है, 10 थीटा का मान निकालना, ठीक है। तो 10 थीटा का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, और हमें पता है 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाता है, ये होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस में 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस में 1, और sec थीटा का मान हमें यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 10 थीटा का, 10 स्क्वायर नहीं निकालना है, हमें निकालना है 10 थीटा का। तो इसको आप स्क्वायर हटा लेंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, इज इक्वल टू रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ठीक है। अब sec स्क्वायर थीटा का मान यहाँ पर कितना है, 5/4, तो 10 थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 थीटा इज इक्वल टू 5/4 का स्क्वायर करना है माइनस में 1, ठीक है, ये आ जाएगा 25/16 माइनस में 1, ठीक है, इज इक्वल टू 25, और यहां से एलसीएम ले लेंगे, माइनस 16 अपॉन में आ जाएगा 16, 25 में से आप 16 को माइनस करेंगे, रूट 9/16, और 9/16 आपका क्या हो जाता है, ये आपका 3/4, यानी कि 10 थीटा का मान कितना आ गया है, 3/4, 10 थीटा का मान कितना आ गया है, 3/4। अब यहाँ पे हमने दो तीन प्रॉपर्टी बताई थी, प्रॉपर्टी क्या थी, साइन इनवर्स एक्स, तीन कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, इसके बाद टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, और sec inverse x plus cosec inverse x is equal to pi by 2. तो इसको तो हमने प्रूफ कर दिया है, ठीक है। अब हम प्रूफ करेंगे इसको, sin inverse x plus cos inverse x, और ये क्वेश्चन आपको प्रूफ करने को भी आते हैं, 2014 में और 16 में ये क्वेश्चन आपको आए थे, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, नेक्स्ट फेज में आपको निकालना है साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। और यहाँ पे एक्स आपका क्या बिलोंग करता है, एक्स की जो रेंज है, एक्स बिलोंग्स टू माइनस वाई, तो ये डोमेन से आता है माइनस वन से और वन, ठीक है। और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, तो इंक्लूडिंग आपका माइनस वन भी होगा और वन भी यहाँ पे इंक्लूड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों हमने जैसे sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स वाला जो पोर्शन था उसको प्रूफ किया है, इसी तरह से यहाँ पे इसको भी हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर आप ले लेंगे कि sin इनवर्स x इज इक्वल टू आप थीटा पुट कर ले, ठीक है। अगर ये थीटा के इक्वल है तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है, x इज इक्वल टू साइन थीटा। और हम जानते हैं हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं cos पाई बाई टू माइनस में थीटा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कहा, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, और इसको आपने क्या लिख दिया है, cos पाई बाई टू माइनस थीटा,
ठीक है। अब इस कॉस को मैं अगर यहां से इधर लाऊं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स, क्योंकि मुझे कॉस इनवर्स चाहिए। ठीक है, तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, पाई बाई टू माइनस में थीटा आ जाएगा। ठीक है, और यहां से देखिए थीटा को हमने क्या यहाँ पे पुट किया था, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये आपका लेट से माना इसको कर सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो यहां पर आप क्या रखेंगे, थीटा की जगह पे साइन इनवर्स एक्स को रखेंगे। तो चलिए कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू माइनस में यहां पर रखेंगे आप साइन इनवर्स एक्स। इस साइन इनवर्स एक्स को आप यहां से ट्रांसपोज करके यहां ले आएंगे, और माइनस का साइन है तो यहाँ आके ये पॉजिटिव का साइन हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू, या फिर इसको आप रिवर्स कर सकते हैं, देखिए पॉजिटिव में है दोनों, तो आप साइन इनवर्स को पहले लिख लें, साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू। ठीक है, तो दूसरा जो इसका है ये भी हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे प्रूफ कर दिया। जब आप यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा लिखेंगे तो एक बात और लिखनी है हमें, कि जो थीटा है हमने आपको चार्ट बताया था जहां पे साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज है वो कहां से कहां तक होगी, माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू के बीच में, तो जो आपका थीटा होगा वो माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू के बीच में बिलोंग करना चाहिए, यहीं से आपका आना चाहिए, तभी ये आपका, इसको भी आप इसमें लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2018 में आया है, और आपको क्या प्रूफ करना है, टेन इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स, और जो एक्स है वो आपका जीरो और वन के बीच में क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए, और इंक्लूडिंग यहाँ पे जीरो और वन भी आपका होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आप लेट x इज इक्वल टू, एक्स को आप क्या पुट कर सकते हैं, x को हम टेन स्क्वायर x यहाँ पे हम पुट कर लें। ठीक है, यहाँ पर हम किसको, x को हमने क्या पुट कर दिया है, टेन स्क्वायर x, और वो कैसे पुट किया, यदि आप यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है, ये कहाँ से आया, अगर मैं यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या रखूं, टेन इनवर्स रूट एक्स रखूं, ठीक है, तो ये टेन यहां आ जाएगा, ये आपका टेन थीटा आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, रूट एक्स। ठीक है, इस रूट को जब हम क्या करें यहां से हटाएं तो दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा रूट हटाने के लिए, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपके पास एक्स यहां से आएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, इसको थीटा के इक्वल किया, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये टेन इनवर्स आपका यहाँ जाके टेन बन जाएगा, इस रूट को जब आप हटाएंगे तो दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हटेगा और यहाँ पे टेन स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास एक्स आ गया। ठीक है, अब इसका मान हमने क्या करना है, इस राइट हैंड साइड में हम यहाँ पे रखेंगे, अब देखिए इसका राइट हैंड साइड में क्या है, वन बाय टू इसको लेके चलेंगे और ये हमें निकालना है, वन बाई टू ऑफ कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स। ठीक है, अब यहां हमने क्या कहा, एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा हम यहां पर रख सकते हैं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू वन बाई टू, सिद्ध करने का मतलब यह क्या है, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए या राइट हैंड साइड ले लीजिए। ठीक है, दोनों में से अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो आपको राइट हैंड साइड निकालना है इसको सॉल्व करके, या फिर राइट हैंड साइड को लेंगे तो इसको सॉल्व करके आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आना चाहिए, तो ये सिद्ध हो जाएगा, ये आपका प्रूव हो जाएगा कि ये जो टेन इनवर्स एक्स रूट एक्स है वो किसके इक्वल है, वन बाई टू ऑफ कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स के इक्वल है। ठीक है, तो सिद्ध कैसे करते हैं हम, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए या राइट हैंड साइड ले लीजिए। ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड साइड से इतना यहाँ पे मान लिया है, ये लेट कर लिया है कि x किसके इक्वल आ रहा है, टेन इनवर्स x। ठीक
ठीक है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ये आपका राइट हैंड साइड है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आना चाहिए, टेन इनवर्स रूट एक्स आपके पास यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। हमने एक्स को क्या मान लिया है, टेन स्क्वायर एक्स मान लिया है, थीटा मान लिया है। तो जहां जहां आपको एक्स दिख रहा है वहां हम क्या रख देंगे, कॉस इनवर्स वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपके पास इतना, ठीक है। और आपने क्लास 11th में फॉर्मूला पढ़ा है, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये आपका कॉस टू थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है। क्यों मुझे कॉस ही चाहिए, और जब मैं कॉस, क्योंकि और भी फॉर्मूले होते हैं इसके, तो हम कॉस के फॉर्म में इसको लाएंगे तो कॉस से कॉस आपका क्या हो जाएगा, ये आपस में किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो ये वन बाय टू ऑफ कॉस इनवर्स और यहां पर हम लिख लेंगे कॉस टू थीटा, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, वन बाय टू ऑफ टू थीटा, और इससे ये कट गया, टू से टू कट गया, थीटा आ गया है। और थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, थीटा हमने यहाँ पे लिखा है, थीटा किसके इक्वल है, टेन इनवर्स रूट एक्स के इक्वल है। ये तो हमने शुरू में ही निकाल लिया था कि थीटा किसके इक्वल है, टेन इनवर्स रूट एक्स के इक्वल है। तो यानी कि यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स रूट एक्स, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये आपका प्रूफ हो गया है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। इसको कॉपी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेन इनवर्स कॉस एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू, आपको सिद्ध करना है, इसको प्रूफ करना है, ये पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू के इक्वल आएगा, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन भी दे रखी है, ठीक है। तो देखिए हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए सिद्ध करने के लिए जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, लेफ्ट हैंड साइड, वहां हमने राइट हैंड साइड लिया था, यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्यों लेंगे, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद ये आपका आ सकता है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, टेन इनवर्स cos x अपॉन में वन माइनस साइन x, ये आपके पास, ठीक है। यहाँ पे आप cos x को देखिए, 2x का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, यहाँ से एंगल को आप हाफ कर देंगे, x बाय टू कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो ये इक्वल हो जाएगा इसके, tan इनवर्स और यहाँ आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस में साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, और आगे आप फॉर्मूला इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि कॉस एक्स का ये हमने एंगल को हाफ कर दिया है, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया है। अपॉन में वन को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, वन को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस में साइन स्क्वायर एक्स बाय टू। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, देखिए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, टू होता है। तो जब आप एंगल को हाफ करेंगे तो वो भी वन के इक्वल होता है, यानी कि वन को आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस में टू साइन एक्स बाय टू, यहाँ भी आप एंगल का फॉर्मूला लगा लेंगे, और कॉस एक्स बाय टू, और यहाँ पर आप सारे फॉर्मूले लिख लेंगे कि आपने कॉस एक्स को क्या लिख दिया है, इसको लिख दिया है कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस में साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, सेपरेट करके लिख लें। वन को आपने क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस में साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, और साइन एक्स का फॉर्मूला आपने यहां पर क्या लिखा है, एंगल को हाफ कर दिया है, तो यह आ जाएगा टू साइन एक्स बाय टू और कॉस एक्स बाय टू। तो इन फॉर्मूलों को आपने यहाँ पे यूज किया है और इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स, tan इनवर्स ये आपका क्या हो जाएगा, cos x by 2 या sin x by 2 लिख सकते हैं इसको, sin x by 2, sin, चलिए cos है तो cos से ही इसको लिखेंगे, cos x by 2
क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा माइनस में साइन एक्स बाई टू, ठीक है, और इसको दोबारा लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई टू प्लस में आ जाएगा साइन एक्स बाई टू। ठीक है, हमने यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब इसको देखिए, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू साइन एक्स बाई टू और एक्स बाई टू, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में टू ए बी। तो ये फॉर्मूला किसका है, कॉस ये आ जाएगा आपका कॉस एक्स बाई टू माइनस में साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, होल स्क्वायर है तो इससे ये कट जाएगा और आगे आपके पास क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स, ये टर्म्स कट चुकी है और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कॉस एक्स बाई टू प्लस में साइन एक्स बाई टू, ठीक है, अपॉन में यहाँ पे कितना बच गया, कॉस एक्स बाई टू और माइनस में साइन एक्स बाई टू, ठीक है, ये आपके पास आ गया। ठीक है, यहां से अगर दोनों में से हम क्या प्रूफ कॉमन ले लें, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, तो बाहर तो आपके पास टेन एक्स टेन है, टेन इनवर्स है, कॉस एक्स बाई टू को मैंने कॉमन ले लिया, यहां आपके पास ये कॉमन आ गया, तो वन प्लस में साइन इनवर्स एक्स बाई टू, यहां से कॉस एक्स बाई टू को कॉमन लेके तो ये इसके बट्टे में आ जाएगा साइन एक्स बाई टू अपॉन में कॉस एक्स बाई टू, इसको ऐसा लिख सकते हैं, अपॉन में यहां पर भी कितना आ जाएगा, देखिए पूरा इसके यहां पर भी हम कॉस एक्स बाई टू को कॉमन ले लेंगे और यहां भी आपके पास क्या आ जाएगा, वन माइनस साइन एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू अपॉन में कॉस एक्स बाई टू। ठीक है, हमने यहां से क्या किया, हमने कॉस एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से कॉमन ले लिया है। ठीक है, कॉमन लेने के बाद ये आपका एक्स बाई टू से कट गया है। ठीक है, ये आपका आ गया है साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू, इसको आप लिख सकते हैं टेन एक्स बाई टू और ये आपका क्या आ जाएगा, टेन एक्स बाई टू। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में करेंगे इसको हम, टेन इनवर्स वन प्लस टेन एक्स बाई टू और अपॉन में वन प्लस टेन एक्स, ये माइनस में आएगा, वन माइनस टेन एक्स बाई टू। ठीक है, अब यहां पे देखिए आगे हमें प्रूफ क्या करना था, पाई बाई फोर, ठीक है, और हमें पता है टेन पाई बाई फोर का मान क्या होता है, वन होता है, यानी कि यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, यहां पर आप लिख सकते हैं टेन इनवर्स और टेन पाई बाई फोर और प्लस में टेन एक्स बाई टू और अपॉन में यहां पर लिख सकते हैं वन माइनस, यहां पे भी आप वन लिख सकते हैं, तो टेन पाई बाई फोर और एक्स बाई टेन एक्स बाई टू। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला, अब ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आपका आ गया है टेन ए प्लस बी का, टेन ए प्लस बी का, और यहाँ पे अगर हम इसको ए माने पाई बाई फोर को और एक्स बाई टू को बी माने तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो यहां पर आप ए को क्या मानेंगे, पाई बाई फोर और प्लस में एक्स बाई टू। ठीक है, और इस ये आपस में कट के ये आपके पास क्या आ जाएगा, पाई बाई फोर प्लस में एक्स बाई टू। ठीक है, और ये आपका राइट हैंड साइड है, तो ये हमने सिद्ध कर दिया है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। तो यहां से देखिए हमें क्या प्रूफ करना था, टेन इनवर्स कॉस एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया और इसको सॉल्व करने के बाद आपके क्या मिल गया है, राइट हैंड साइड था पाई बाई फोर प्लस पाई बाई टू, तो हमें राइट हैंड साइड मिल गया है इसको सॉल्व करने के बाद पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ये आपके लंबे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, चार नंबर में। ठीक है,
तो आप इनको घर में, और बेसिकली इसका आपको क्या होने चाहिए, इनके फॉर्मूले जो कि आपके क्लास 11th पे में आपके थे, तो उन फॉर्मूलों को भी आप याद कर लें, ठीक है, तभी ये क्वेश्चन पॉसिबल है होना, नहीं तो आपको अगर फॉर्मूले लर्न नहीं है तो ये क्वेश्चन आपको नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा जो भी क्वेश्चन हमने आज की क्लास में किया है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है उस पर बात करेंगे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को और उस पर बेस्ड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।